दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विवेका। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। आज बिहार बंद का असर सुबह सुबह ही दिखने लगा है। आज का बिहार बंद अग्निपथ योजना के खिलाफ में युवाओं ने ऐलान किया। NSY सहित अन्य छात्र संगठन ने ऐलान किया कि 18 तारीख को बिहार बंद रहेगा, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल, कम्युनिस्ट माले, CPM, CPI सहित हम पार्टी के जीतन राम मांझी ने भी इस बंद का समर्थन किया। NDA के सहयोगी हैं जीतन राम मांझी, उन्होंने भी सहयोग किया और अग्निपथ योजना जो मोदी जी के तरफ से निकाली गई है, इस योजना का विरोध युवा वर्ग करेंगे और राजद, हम, कम्युनिस्ट आदि उसके साथ मिलकर भी विरोध करेंगे। चारों ओर युवा हिंसक हो चुके हैं, करोड़ों करोड़ की संपत्ति, सरकारी संपत्ति क्षतिग्रस्त हो गई है, दर्जनों ट्रेनें जला दी गई है, सैकड़ों लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जगह जगह सरकारी संपत्ति की क्षति पहुंचाई जा रही है, दो चक्का चार चक्का बसें आदि को भी आग के हवाले किया गया है, विधायक आदि के घरों को भी तोड़फोड़ की गई है, जो मैंने पहले भी बताया है। अभी भी उग्र हैं छात्र, युवा और 4 साल की इस नौकरी की निंदा हो रही है। जदयू के ललन सिंह ने भी इस 4 साल के नौकरी की निंदा की है, अपूर्ण विचार की बात कहा है। हम के जीतन राम मांझी ने विरोध किया। लालू प्रसाद यादव ने भी ट्वीट करके यह हास्यप्रद बताया और विचार करने की बात कही। मुकेश सहनी भी इस 4 वर्ष के नौकरी अग्निपथ योजना के खिलाफ बोला। साथ ही साथ युवा आक्रोशित हैं, उग्र हैं, सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचा रहे हैं, चारों ओर उग्रता देखी जा रही है, लेकिन बिहार बंद आज है। बिहार बंद में क्षति न पहुंचे सरकारी संपत्ति का और तोड़फोड़ न हो, इसके लिए पूरे बिहार में पुलिस बल मुस्तैद कर दिया गया। पुलिस बल देखी जा रही है, 4 चप्पे-चप्पे में पुलिस व्यवस्था है, पुलिस रोकथाम के लिए तैयार है, FIR हो रहे हैं, दर्जनों सैकड़ों छात्र गिरफ्तार भी किए गए, दर्जनों FIR भी हुई है, अब पुलिस कार्रवाई कर रही है। देखना यह होगा कि मोदी के राज में मोदी साहब कब इस पर विचार करते हैं। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।